देश की सबसे मुश्किल परीक्षा और जिस परीक्षा को पास करने का सपना हर वो होनहार देखता है, जिससे उसकी और उसके पूरे परिवार के साथ साथ पूरे समाज की ज़िंदगी बदल जाती है। हम बात करें यूपीएससी परीक्षा की। बिहार के लोगों ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार के लोग वैसे भी यूपीएससी की परीक्षाओं में हर बार शानदार तरीके से प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार 30 से ज़्यादा लोग सफल हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ बिहार का एक ऐसा लाल है जिसने 203 रैंक जो है वो हासिल किया है। पहले इंजीनियर रहे, उसके बाद यूपीएससी का ख्याल आया। मिलवाते हैं आपको, विकास कुमार हैं। विकास जी, पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने भारत की सबसे मुश्किल परीक्षा पास की है। क्या ड्रीम था मन में और आप क्यों लगा कि नहीं, मतलब एक इंजीनियर होकर के, एक सफल इंजीनियर होकर के, मतलब आईएएस या आईपीएस बनना है? एक्चुअली जो मैंने देखा था अपने बचपन में, जो मैंने गरीबी देखी थी, मुझे लगा कि समाज में अगर आप कुछ योगदान देना चाहते हैं बड़े स्तर पे, तो आईएएस और आईपीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप समाज को सर्व कर सकते हैं, खास करके निचले स्तर के लोगों को। वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आप भरपूर कोशिश कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में जुड़ा और फाइनली भगवान की मदद के सहारे आज मैं 203 रैंक ला पाया हूँ। मतलब 203 रैंक ला पाए भारत की उस परीक्षा में जिसके बारे में लोग कहते हैं कि सबसे मुश्किल परीक्षा। इसके बाद भारत में कोई परीक्षा होती नहीं इस लेवल की। कितनी मेहनत करनी पड़ी, फैमिली का क्या सपोर्ट था? क्योंकि आप, जैसा कि जो हम लोग की इनफॉर्मल बातचीत हुई, इसमें मतलब एक ऐसे परिवार से आते थे जहाँ पर शायद सपने दिखना भी जो है ना बहुत महंगा सौदा था। फिर इस सपने को कैसे कैरी ऑन किया, कैसे आगे बढ़े? इसमें योगदान मिला मुझे नवोदय विद्यालय से भी, जहाँ मेरा सिलेक्शन 6th क्लास में हुआ था। और उस दौरान मैं नवोदय विद्यालय में 2001 से 2006 तक 10वीं की परीक्षा तक मैंने वहाँ तक अध्ययन किया। उसके बाद मैं DPS बोकारो गया और ये जो फेज़ था वो मुझे धीरे धीरे इनक्रेज करता गया कि यस आई कैन डू बेटर। लाइक मेरे अच्छे मार्क्स आए थे 10th में भी, 12th में भी, और फाइनली मैं AIEEE के एग्ज़ाम को पास करके NIT जमशेदपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। वहाँ से मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ टाटा स्टील में। और उस दौरान मैंने कुछ अपने जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे उसको मैंने दूर करने का कोशिश किया और मैं सोचा कि कुछ इतने पैसे इकट्ठे कर लूँ काम करके, जिसके थ्रू मैं अपना जो प्रिपरेशन है खुद के बदौलत कैरी कर सकूँ और अपने फैमिली पे बोझ ना बनूँ। क्योंकि केवल फादर ही उस समय थे जो जॉब में थे और मैं नहीं चाहता था कि पूरे फैमिली का बर्डन मेरे फादर पे आ जाए, इंक्लूडिंग माय एजुकेशन ऑल्सो। सो मैंने 2 साल काम किया और जो जितनी ज़रूरत की पैसे थी मैंने उसको इकट्ठा किया और मैं 2015 में जॉब छोड़कर चला गया यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। समय तो लगा बट फाइनली रिजल्ट आ गया। क्योंकि कई बार, क्योंकि इस बार कोरोना का संकट चल रहा है, लेकिन हर साल हम देखते हैं कि बहुत से छात्र निराश हो जाते हैं जब अच्छे नतीजे नहीं आते हैं। और आपने भी 2 अटैम्प्ट लिए और फिर तीसरे अटैम्प्ट में आपने सफलता हासिल की। वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि बिहार में प्रतिभा है लेकिन कई बार ये प्रतिभा गलत ट्रैक पे चली जाती है जब आपको सफलता नहीं मिलती है, तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश है? देखिए, आप जैसा अभी आपने बताया कि मैंने पहले भी 2 अटैम्प्ट दिया है, ये सच्चाई भी है। जैसे मैं 2016 में मेरा जो मेन्स सिलेक्शन रुका था वो 10 मार्क्स से रुका। 2017 में मैं दोबारा दिया, 2 नंबर से फिर से मेंस में मेरा सिलेक्शन रुका। थोड़ा निराशा के पल थे, कभी कभी मुझे ये पल ऐसे भी हुए कि मैं हतोत्साहित महसूस कर रहा था कि कहीं मेरा डिसीजन शादी करने के बाद टाटा स्टील को छोड़ना कहीं गलत साबित ना हो जाए, ना कहीं लोगों को ऐसा ना लगने लगे कि मैं जहाँ पहुँच सकता था वहाँ कभी नहीं पहुँच पाऊँगा। लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मुझे लगा कि नहीं, अगर मेहनत सही कड़ी मेहनत की जाए, सही लगन के साथ अगर आप किसी चीज़ में जुट जा सकते हैं तो कहा जाता है कि कायनात भी उसको आपको दिलाने में मदद करती है। शायद वही हुआ, संजोग बना और अंततः रिजल्ट आपके सामने है। मेहनत ही रंग लाया है और सबके लिए मैसेज यही है कि आप किसी भी हालत में मेहनत करना ना छोड़ें, क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आप अगर सतत प्रयास करते रहेंगे, देर हो सकती है बट सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। देर हो सकती है, सफलता कदम चूमेगी, लेकिन मतलब क्योंकि अमूमन लोग होता है कि एक जॉब में आते हैं तो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि नहीं अब आगे कुछ करना नहीं है। लेकिन यूपीएससी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, या आप भी बहुत लोग जानते होंगे जिन्होंने स्विच किया है। तो क्या ऐसा लगता है कि मतलब जब आप एक जगह जहाँ पे आप आके स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद सपने और बड़े होते हैं, लगता है कि नहीं यूपीएससी भी बहुत आसान है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है? और कितने घंटे पढ़ाई, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये होता है ना कि यूपीएससी का जैसे जहन में सवाल आता है तो लोग समझते हैं कि 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे पढ़ना पड़ता है। एक्चुअल में विकास कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए मैं तो 10 से 12 घंटे पढ़ लेता था, और ये ज़रूरी ये है कि ऐसा नहीं हो कि एक दिन आपने 14-15 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे जो लगता है कि कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लाइक अगर आप अगर सक्षम हैं कि जो आप डेली के लिए टारगेट सेट कर रहे हैं, अगर आप 7-8 घंटे में ख़त्म कर लेते हैं तो 7-8 घंटे भी पर्याप्त हैं। ये आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस पे डिपेंड करता है। जहाँ तक मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है 10 से 12 घंटे पढ़ने की, मैंने, लेकिन वो कंटिन्यूस था, ऐसा नहीं था कि आज मैं 10 घंटा पढ़ रहा हूँ दूसरे दिन गैप कर रहा हूँ, ये नहीं होता था। तो 10 घंटे तो आप मान के चलो ऑन एन एवरेज मैं डेली पढ़ता गया, ठीक है। उस दौरान मुझे बहुत सारे चीज़ ओकेजन्स भी मैंने मिस किया, लाइक कि जनरली मैं फेस्टिवल्स वगैरह उस समय मैं फैमिली के साथ नहीं आता था, शादी होने के बावजूद, शादीशुदा होने के बावजूद। लेकिन ये सारे जो तपस्या हैं ये सब दूर हो, ये और ये जो भी गिला शिकवा शिकायत होता है इस दौरान, प्रिपरेशन के दौरान जो भी आप हार्ड से फेस करते हो वो सारा एक साथ धुल जाता है। जैसे ही आप देखते हो कि इस होली पीडीएफ में आपका एक रैंक है, आपका नाम है। अब तो रैंक, जब रैंक आया, मतलब जब 203 नंबर पर आपका नाम था, क्या मतलब उस वक्त क्या फील, सबसे पहले किसको कॉल किया, कौन लोग थे जो बिल्कुल जहन में आ गए अचानक से, या जिन्होंने आपको खुद याद कर लिया उस वक्त? एक्चुअली मैं कल जब रिजल्ट आया था, मैं पीएमसीएच में अपना मेडिकल करा रहा था, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मेरा फ्रेंड, मेरा रूममेट आयुष दुबे ने दिया कि सर रिजल्ट आ गया है, आपका 203 रैंक है। अनफॉर्चुनेटली मेरे फ्रेंड का नहीं हुआ। आई वॉज लाइक कि शायद कुछ एक रैंक उनको भी मिल गया होता तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती। और उसके बाद फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया, और भी मेरा फिर भाई था, मैंने उसको अपना फ़ोन दे दिया, बोल दिया उनको कि आप बाकी कॉल अटेंड कर लेना, बाकी को बता देना, क्योंकि मेरा मेडिकल था उस समय हो रहा था तो मैं ज़्यादा कॉल ले नहीं सकता था उस समय। फिर मैं जब घर गया तो फिर बाकी लोगों को, बाकी अपने परिजनों, अपने रिलेटिव्स और जो भी मेरे फ्रेंड्स थे उनको फिर मैंने कॉल लगाया। अब विकास जी का सपना क्या है, क्योंकि अब आप अब जो रैंक है मेरे हिसाब से शायद आईपीएस मिलेगा, तो जब आईपीएस मिलेगा, जब वर्दी होगी, फिर कुछ ड्रीम्स होंगे मन में, क्योंकि आईएएस आईपीएस बनना इतना आसान नहीं है। क्या करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, उन लोगों के लिए जो डिप्रेस्ड है सोसाइटी के अंदर, उनके लिए? देखिए एज ए पुलिस ऑफिसर जो मेरा जो प्रायोरिटी होगा वो है रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी एक आईपीएस ऑफिसर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या लीगल ऑब्लिगेशंस हैं उनको मैं सही ढंग से पूरा करूँ, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है उसको मैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ मैं पोस्टेड हूँगा वहाँ मैं मेंटेन कर सकूँ और जिनको सब लोगों को न्याय दिला सकूँ, ये मेरा प्रयास होगा। आगे का ये है कि मैंने सोचा है, मेरा ड्रीम था चूँकि आईएएस बनना, तो अभी मेरे अटेम्प्ट बाकी हैं, तो मैंने सोचा है अगले साल फिर से एक बार एग्ज़ाम में रीअपेयर करूँगा, एंड होपफुली माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ एंड आई विल गेट सच रैंक दैट आई कैन गेट आईएएस। बिहार के लिए कोई सपना मन में, क्योंकि आपने बिहार में संघर्ष देखा अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने गाँव का, सोसाइटी का, बिहार के लिए भी कुछ है मन में, लगता है कि नहीं अगर बिहार को सर्व करने का मौका मिला तो ये बिहार के लिए करूँगा? बिल्कुल, जैसे मैंने जो मैं ड्रीम लेकर गया था कि मुझे आईएएस बनना है, और जो मैंने फील किया था कि जब मैं आईएएस बनूंगा तो जो क्या कर सकता हूँ, मेरे जो प्रायोरिटी सेक्टर थे, लाइक मैं हेल्थ के, एजुकेशन के ऊपर खास करके मेरा ध्यान था, क्योंकि बिहार कुछ कारणों से इनफेमस हुआ था। लाइक वो आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में जो पिक आता था 4 तल्ला बिल्डिंग और उसमें पेरेंट्स लटक कर अपने बच्चों को चीटिंग करवा रहे थे। मुझे लगता था कि ये सिचुएशन दोबारा कभी पैदा ना हो बिहार में, एजुकेशन का इस स्तर इतना ऊपर उठ जाए कि लोग इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व ना हो, बच्चे खुद इतने काबिल हों कि अपने दम पर एग्ज़ाम पास करने का काबिलियत रखें। तो एक तो मेरा प्रायोरिटी था कि एजुकेशन के स्तर को सुधारना, उसके लिए जो भी हो सकता था, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स थे, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको सही से इम्प्लीमेंट करना। दूसरा मेरा था हेल्थ सेक्टर, क्योंकि यहाँ मैंने देखा जैसे मेरे ही गांव में मैं बता रहा हूँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, बट वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कम्प्लीटली बंद है। कोरोना के दौरान में मैं 2.5 महीने घर में भी रहा, लेकिन मैं कभी भी नहीं देखा कि कोई नर्स भी उस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में विजिट की हो, तो लगातार उसमें ताला बंद रहा। तो ये एक बताता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा कहीं ना कहीं वीक है, जहाँ काम करने की ज़रूरत है। और मेरा तीसरा प्रायोरिटी था PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो खास करके गरीबों के लिए है। जो बहुत सारे अभी केसेस आए जहां आपने देखा कि लॉकडाउन में भुखमरी से लोग पीड़ित भी हुए, तो मुझे लगता है कि अगर PDS हमारा जितना स्ट्रांग होगा ऑब्वियसली आप गरीबों को बहुत ज़्यादा तक सर्व कर पाओगे। और ये तीनों सेक्टर अगर बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हो तो अल्टीमेटली जो निचले तबके के लोग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और उनको भी बाकी लोगों के साथ कम्पीट करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी हैं 203 रैंक लाए हैं यूपीएससी में, भारत की सर्वोच्च परीक्षा आप कह सकते हैं उसमें, और उसमें उन्होंने मुकाम हासिल किया। अपने परिवार की गरीबी देखी, संघर्ष देखा, उसके बाद मेहनत की, 3 अटैम्प्ट लिए और फाइनली जो है अब आने वाले कुछ दिनों में इन्हें आईपीएस कैडर प्रोबेबली जो है वो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बिहार के लिए या जहाँ भी इनकी पोस्टिंग होती है वहाँ समाज में लोगों को न्याय मिले, वहाँ के लोग जो हैं उनका विकास हो पाए, उन तमाम चीज़ों पर फोकस है। हालांकि एक सपना ये भी है कि बिहार जैसे राज्यों के अंदर में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो ज़रूरी सेवाएं हैं उसकी बेहतरी हो, ताकि बिहार का नाम जो है देश और दुनिया के सामने जो है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। लोग जब बिहार का नाम लें तो गर्व महसूस करें। सहयोगी अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।